गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि अच्छे होने की एक वजह है क्योंकि हम इस भारत भूमि पर रहते हैं और खुश रहना ही इस भारत भूमि की एक तरह से खूबी है, खासियत है। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि हम रोज़ आपको लेकर आते हैं बहुत ही सुंदर सुंदर कहानियाँ इंग्लिश की भी और हिंदी की भी, तो आज उसी श्रृंखला में हम आपको लेकर आए बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही प्रेरणादायक और बहुत मज़ेदार कहानी जिसका नाम है जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट। अंग्रेजी में कहते हैं टिट फॉर टैट, इसका मतलब होता है बच्चों जैसे को तैसा। और ये जो कहानी है वो थर्ड क्लास की हिंदी की बुक की कहानी है, जैसे को तैसा। इसमें बच्चों बहुत ही मज़ेदार कहानी है, जैसे कि आपने घर पे भी अपने बड़े बुजुर्गों से सुनी होगी कहानियाँ कि बंदर वाली और मगरमच्छ वाली कहानी सुनी होगी, इस तरह की ऐसी इसी टाइप की एक कहानी है इसमें, बहुत ही अच्छी। तो इस प्यारे बच्चों, इसमें कहानी क्या है, एक जंगल था, उस जंगल में दो मित्र रहते थे। मित्र मतलब इंसान नहीं, उसमें एक ऊँट था और एक गीदड़ था, उन दोनों में गहरी मित्रता थी। तो एक बार गीदड़ ने ऊँट को बताया, बोले मित्र नदी के पार है ना बहुत ही सुंदर सुंदर और बहुत लंबे लंबे मोटे मोटे रसदार गन्ने का खेत है, हम लोग चलो पल्ले पार चलते हैं और वहीं गन्ने खाते हैं, मज़े आ जाएंगे। तो ऊँट को पानी आ गया, बोले यार दोस्त बात तो सही कह रहे हो, मैंने भी बहुत समय से गन्ने उन्हें नहीं खाए, चलो चलते हैं फिर। अब गीदड़ बोला भाई अब मैं कैसे पहुँचूँगा, मुझे तो तैरना ही नहीं आता। तो ऊँट बोला डांट अरे यार मैं दोस्त दोस्त के काम इतना नहीं तो क्या आएगा, तो मेरी पीठ पर बैठना आराम चलना, बोले ये काम सही रहेगा। अब दोनों नदी किनारे पहुँचे और आराम से नदी में ऊँट जो था घुस गया और गीदड़ उसकी पीठ पर आराम से बैठ गए, नदी पार हो गए दोनों। अब नदी पार हो उन्होंने जाने से पहले ये निश्चय कर लिया था कि भाई दोस्तों ऐसे करेंगे रात में चलेंगे, क्योंकि दिन में तो रखवाले होंगे खेतों के और रात में अगर होंगे भी तो कहीं ना कहीं सो गए होंगे, है ना, तो हम आराम से हमारा काम बन सकता है। तो उन्होंने शाम के समय संध्या वेला में नदी पार की और उस पार पहुंच गए और गन्ने के खेत में जाकर रात में आराम से गन्ने खाने लगे। अब गीदड़ तो इतना सा होता है, ऊँट होता है इतना बड़ा, ऊँट है ना बहुत बड़ा होता है। अब क्या हुआ कि गीदड़ का जो पेट था वो जल्दी भर गया और ऊँट बेचारा लपेटे पड़ा था इधर से उधर झर 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 झर, है ना। अब गीदड़ आया ऊँट के पास, बोले मित्र, बोले हाँ भाई बताओ, बोले यार चलो, बोले अभी तो यार पेट भरने दो, अभी तो आए हैं और तुम तो छोटे से हो, तुम दो घंटों में तुम्हारा काम हो गया, मुझे तो खा लेने दो। बोले कोई बात नहीं, देखो ऐसा है ना, मैं जब खाना खा लेता हूँ तो मेरा गाना गाने का मन करता है, अब भाई मैं तो गाना गाऊँगा। बोलो अब ऊँट बड़ा टेंशन में, उन्हें सोचा अगर जो गाने लगा तो रखवाले आ जाएंगे और ये दोनों पिटेंगे। उन्हें रिक्वेस्ट की, बोले भाई थोड़ी देर रुक जा फिर गा लेना, अभी मैं थोड़ा और खा लूँ फिर चलते हैं। बोले देखो भाई मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा, मैं गाऊँगा ही गाऊँगा। अब गीदड़ जो था अपना गाना गाने लगा, उक्का हुआ जैसे वो नहीं कहते हैं शियार जैसे, तो उस तरह से वो चीखने लगा, कहने लगा। अब इस तरह से जब वो चीखा अपना, उसने गाना गाया, तो जो रखवाले थे ईख के खेत के वो ले ले लाठी वहाँ पर आ गए। अब जो गीदड़ था वो देख के छुप गया इधर उधर, छोटा था लेकिन ऊँट बेचारा कहाँ छिपे, वो तो शरीर में आकार बड़ा। अब ऊँट पर धल लाठी ऊँट बेचारा बिलबिला मर गया। अब जैसे तैसे बेचारे वहाँ से भागा और नदी के किनारे पर आ गए, पीछे से गीदड़ भी आ गया। अब गीदड़ बोला दोस्त मुझे क्षमा करो, मेरी वजह से आपकी बहुत पिटाई हुई है, अब दोबारा मैं कभी ऐसे गाना नहीं गाऊंगा और मैं आपकी तुमसे माफ़ी चाहता हूँ भैया, दोबारा देखो मैं कभी गाना नहीं गाऊंगा और मुझे क्षमा कर दो इस बार। ऊँट बोला कोई बात नहीं यार, दोस्ती में ऐसा होता है, कोई बात नहीं हो गया कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। अब ऊँट बोला देखो दोस्त ऐसा है, अब मार खाने के बाद मैं पीठ पर कैसे बैठा सकता हूँ तुम्हें, तो अपने आप तैर के आना भाई, मैं ऐसे तैर के जा रहा हूँ। अब गीदड़ की हवा खराब, बोले मैं तो डूब जाऊंगा यार, मुझे तैरना नहीं आता दोस्त यार, मैं कैसे पार कर सकता हूँ नदी। अब गीदड़ टेंशन में आ गया। ऊँट बोला देखो भैया मेरे बहुत पीठ दुख रही है और मैं बैठा नहीं सकता। अब गीदड़ बोला अच्छा चलो कोई बात नहीं, मैं बहुत इशारे से और ऐसे जगह बैठूंगा जहाँ तुम्हारी पीठ दुखती ना हो। तो ऊँट बोला चलो कोई बात नहीं खैर, आ जाओ बैठ जाओ, संभाल के बैठना। अब गीदड़ कूद के पीठ पे बैठ गया। अब ऊँट बेचारा चलते चलते बीच नदी पहुँच गया। जैसे ही बीच नदी पहुँचा ऊँट बोला भैया दोस्त गीदड़, बोले हाँ भैया, बोले ऐसा है खाना खाने के बाद मेरा भाई डुबकी लगाने का मन करता है पानी, मैं तो नहाऊँगा। अब तो गीदड़ की हवा ख़राब, हवा संट हो गई उसकी, बोले भाई यार थोड़ा और चल ले थोड़ा बाद में नहा लिया यार। बोले नहीं मैं तो बीच धार में नहाने मज़ा आता है। अब इतना ऊँट ने कहा, उसने दो तीन डुबकी लगाई, ऐसे लौट पौट हुआ पानी में, गीदड़ जे जा रहा है तैरते उतराते हुए, है ना।
अब जैसा गीदड़ ने उसके साथ किया वो सर गीदड़ ने वैसा ही ऊँट ने उसके साथ किया। तो प्यारे बच्चों ये कहानी इतनी इंटरेस्टिंग है, मज़ेदार कहानी है, ये हमें सिखाती है कि हमें वैसे भी किसी के साथ धोखा नहीं करना चाहिए और दोस्त के साथ तो वैसे ही नहीं करना चाहिए बच्चों, क्योंकि दोस्त हमारे हमेशा कोई ना कोई काम आता है और कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हम कहीं भी शेयर नहीं कर सकते लेकिन दोस्त से शेयर कर लेते हैं। तो प्यारे बच्चों टिट फॉर टैट यानी जैसे को तैसा, जैसा गीदड़ ने ऊँट के साथ किया वैसे ऊँट ने गीदड़ के साथ किया। अब दोस्ती भी तो इन्होंने कैसे करी, देखो एक पहाड़ और एक जरासी चुहिया। अब दोस्ती भी कुल मिलाकर बराबर के जो हमारे समकक्ष होते हैं सिमिलर होते हैं उनसे करनी चाहिए। अब गीदड़ ने दोस्ती ऊँट से करी, अब ऊँट इतना बड़ा तो दोस्ती कैसे निभ जाती पहली बात, और धोखेबाज निकला गीदड़। तो दोस्ती में कभी हमें धोखा नहीं करना चाहिए प्यारे बच्चों, हमें ध्यान रखना चाहिए। तो ये कहानी हमें ये सिखाती है। चलिए हमें उम्मीद है कहानी आपको बहुत सुंदर लगी होगी, अच्छी लगी होगी, कुछ आपने जरूर इससे सीखा होगा। अब हम आपको ये जो कोयम है सॉरी ये जो चैप्टर है जैसे को तैसा अच्छे से आपको पढ़ा के सुनाते हैं, किताब में एक लाइन आपको पढ़ के सुनाते हैं, इसके मीनिंग सुनाते हैं। बहुत सुंदर सी कहानी है, चलिए बच्चों पढ़ लेते हैं बुक। चलिए बच्चों तो एक बार फिर से आपका स्वागत कर लेते हैं किताब पढ़ने से पहले अपने चैनल आर पी पब्लिक स्कूल जोगीठहर में। चलिए अब शुरू करते हैं ये कहानी हमने आपको अभी आपको और सुनाई थी, अब उसको हम पढ़ के दिखा देते हैं, पढ़ के सुना देते हैं प्यारे बच्चों। बहुत ही सुंदर कहानी है, क्लास थर्ड की बुक है, स्काईलाइन की बुक है ये, हिंदी सुरभि इसका नाम है। और अब हम पढ़ते हैं, देखो ये चैप्टर जो हमने अभी आपको और सुनाया, पाठ का नंबर है 2 यानी कि पाठ संख्या 2, पाठ का नाम है जैसे को तैसा। तो बहुत ही सुंदर कहानी हमने बच्चों अभी आपको सुनाई वाली जैसे को तैसा। तो क्या इसकी कहानी है, देखिए जैसे हमने बताई थी वही कहानी इसमें है। तो एक बार पढ़ लेते हैं सारे बच्चे, अगर किताब के पास ये वाली है तो बच्चों इस वीडियो को देखकर किताब को खोल लें और अपनी जो लाइन है इस किताब की इस पर उंगली चलाते हुए चलेंगे, देखेंगे समझेंगे हम कैसे पढ़ रहे हैं, किस शब्द को क्या पढ़ा जा रहा है वो सब ध्यान से समझेंगे पहले बच्चों। जैसे कि हम हर बार बताते हैं वीडियो में कि कोई भी चैप्टर कोई भी कहानी या कोई भी लैंग्वेज की हमें अगर नॉलेज बढ़ानी है ज्ञान बढ़ाना है तो उसके शब्दकोशों का हमें विशेष ध्यान रखना है, यानी कि शब्दकोश उसका अच्छा होना चाहिए। कहने का मतलब जो वर्ड्स मीनिंग हैं यानी कि शब्द अर्थ हैं वो अच्छे होने चाहिए, तब हम उस भाषा को अच्छे से समझ पाएंगे। तो इसके लिए इसके भी थोड़े से वर्ड मीनिंग है बच्चों इस चैप्टर में, उनको थोड़ा नज़र डाल लेते हैं पढ़ लेते हैं। देखिए थोड़े से हैं, हिंदी में ही हैं, आप अच्छे समझ जाएंगे, ज़्यादा कठिन नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला वर्ड लिखा है बच्चे मित्रता। मित्रता आप जानते हो, अभी हमने बताया था दोस्ती, मित्रता माने दोस्ती होती है, दो दोस्तों के बीच की जो रिश्ता होता है उसको मित्रता कहते हैं। फिर लगा अवश्य, अवश्य माने होता है जरूरी, अवश्य माने जरूरी। फिर लगा लाठी, लाठी सभी जानते होंगे छड़ी या कोई डंडा जिस तरह का होता है मांस वांस का, उसके लिए लाठी कहते हैं। फिर है प्रण, प्रण माने होते हैं प्रतिज्ञा, कोई भी काम करने की कसम खा जाना उसको कहते हैं प्रण कर लेना। फिर लिखा है भविष्य, भविष्य का मतलब आने वाला समय, जो समय आएगा आया नहीं उसको कहते हैं भविष्य। फिर लिखा है दुष्ट, दुष्ट माने होता है नीच अधम अधर्मी पापी इस तरह से कहते हैं उसको दुष्ट कहते हैं, जो बहुत ही नालायक किस्म का लोग होते हैं उसको दुष्ट कहते हैं। फिर लिखा है बच्चों आदत, आदत माने होता है स्वभाव है ना, आचरण या जिसे कहते हैं कि किसका कैसा मैनर्स है उसको आदत बोलते हैं। फिर है व्यवहार, व्यवहार माने होता है बर्ताव, कैसा लोग किसका कौन बर्ताव कर रहा है, व्यवहार कर रहा है, कैसी बात कर रहा है, कैसे चाल चलना उसको उसको व्यवहार कहते हैं। फिर लिखा बच्चों शरारत, शरारत माने आप जानते हो शैतानी यानी कि दुष्टता, शैतानी आप समझते होंगे सारे बच्चे, तो ये इसके मीनिंग है बच्चों। अच्छे से आपको समझ में आ गए होंगे और हमें उम्मीद आपको याद भी हो गए होंगे, अगर एक बार में नहीं हुए तो एक बार आप अपनी बुक को जरूर खोल कर देखिएगा पढ़िएगा, आपको अवश्य ये मीनिंग याद हो जाएंगे। चलिए आप शुरू करते हैं ये कहानी। देखिए बच्चों लिखा हुआ है, देखो एक जंगल में एक ऊंट और गीदड़ रहते थे, वही अभी जो कहानी सुनाई थी वही कहानी है। उन दोनों में गहरी मित्रता थी, गहरी का मतलब बहुत पक्की दोस्ती थी। एक दिन वे दोनों नदी के किनारे पहुँचे और नदी के उस पार गन्ने का खेत था। गीदड़ ने ऊंट से कहा मित्र नदी के उस पार देखो वहाँ गन्नों का खेत है। गीदड़ बोला ऊंट से बोले भैया पल्ले बार नज़र मारो जरा, देख रहा है कितने बड़े बड़े गन्ना खड़े हैं लंबे लंबे लठिया से, अब वहाँ गन्ने का खेत है वहाँ रात को चलेंगे। गीदड़ बोला वहाँ रात को चलेंगे और भर पेट गन्ने खाएंगे, उस समय खेत का मालिक भी सोया होगा। ऊंट बोला बोले एक बात तो सही करे भैया,
बोले हाँ मित्र, बात तो सही कह रहे, अवश्य चलेंगे, यानी जरूर चलेंगे। मुझे भी गन्ने खाए हुए बहुत दिन बीत गए, यानी बहुत दिन हो गए हैं। रात को दोनों नदी के पास पहुँचे। नदी में पानी का बहाव बहुत तेज था, गंगा जी में समझ लो बाढ़ आ गई एक तरह से। नदी गहरी भी थी। गीदड़ ऊँट के ऊपर बैठ गया। गीदड़ जो था, क्योंकि ऊँट की पीठ जो होती बहुत ऊँची होती है, ऊँट भी काफ़ी ऊँचा होता है, उसकी पीठ पर बैठ गया। थोड़ी ही देर में दोनों नदी के उस पार पहुँच गए। अब जब पार पहुँच गए तो जाहिर सी बात है खूब गन्ने खाए होंगे, दोनों खेत में गन्ने खाने लगे। गीदड़ छोटा था इसलिए उसका पेट जल्दी भर गया। अब जब छोटा हो जल्दी उसका पेट भर गया, दो ही तीन गन्ने उसका काम हो गया होगा। अब उसे एक शरारत सूझी, शरारत मैंने शैतानी सूझी। वह ऊँट से बोला मित्र, जब मेरा पेट भर जाता है ना तब मैं गाना गाता हूँ, ये मेरी आदत है। गीदड़ बोले भैया, पेट भरने के बाद गाना गाने का मन होता है भैया, मेरी आदत है, मजबूर आदत से, अब मैं गाना गाऊंगा। तो बच्चों देखो लिखा है, ऊँट ने कहा, ये देखो जा रहा है पीठ पर बैठ गया है ना, चित्र में देख रहे होंगे आप, ये ऊँट है नदी में जा रहा है और ये गीदड़ बैठा हुआ है। तो ऊँट ने कहा, मित्र ऐसा मत करना, देखो अभी थोड़ा मेरा भी थोड़ा भला करो, पेट भर जाने दो, तो खेत का मालिक जाग जाएगा और हमारी पिटाई करेगा। लेकिन गीदड़ नहीं माना, गीदड़ तो गीदड़, उसकी आदत थी गाना गाने की। मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। जब वो चिल्लाने लगा तो खेत के मालिक की आँखें खुल गईं। वो सो रहा था खेत के किनारे में, चारपाई डाल के वो जाग गया और लाठी लेकर दौड़ा। जो रखवाला था खेत वाला मालिक, वो लाठी लेकर दौड़ा। उसे देखकर गीदड़ एक झाड़ी में छिप गया, लेकिन ऊँट बड़ा होने के कारण कहीं छिप नहीं सका। बड़ा था, कहाँ छिपता बेचारा। तो मालिक ने ऊँट की लाठी से, मालिक ने ऊँट की लाठी से खूब पिटाई की। गीदड़ झाड़ी में छिपकर ऊँट की पिटाई देखता रहा। ऊँट समझ गया कि गीदड़ ने उसकी जानवर की पिटाई करवाई है। उसने मन में प्रण कर लिया, प्रण मतलब प्रतिज्ञा कर ली, कसम खा ली, बोले अच्छा इससे तो निपटने है, निकल बेटे खेत से बाहर। ऊँट सोच रहा था वह गीदड़ को इसका मज़ा अवश्य चखाएगा, ऐसा उसने सोच लिया। किसने? ऊँट ने सोच लिया, बोले इसने मेरी पिटाई करवाई, इससे तो मैं निपटूंगा, हिसाब किताब पूरा करना है। अब थोड़ी ही देर बाद गीदड़ ऊँट के पास आया और बोला, मित्र मुझे बहुत दुख है भाई, क्या करूँ कि तुम्हारी मार पड़ी, इस बात का मुझे बड़ा खेद है, अब भविष्य में कभी गाना नहीं गाऊँगा। ऊँट बोला, कोई बात नहीं यार, होता है, कोई बात नहीं, दोस्ती में ऐसा होता है, जो होना था हो गया, अब इसकी टेंशन मत करो, आओ घर चलें। ऊँट बोला, चलो अब घर चलते, जो हो गया हो गया। दोनों नदी के पास पहुँचे तो ऊँट बोले मित्र, मेरी पीठ पर इतनी मार पड़ी है कि मैं तुम्हें बैठा नहीं सकता, तुम भी नदी तैर कर पार करो। अब गीदड़ की टाँ टाँ फिर सुन रहे होने लगी, ऐसी बात सुनकर गीदड़ बोला, भैया मित्र मैं कैसे तैर सकता हूँ, मुझे तो तैरना ही आता नहीं, मुझे तैरना आता ही नहीं, मैं तुम्हारी पीठ पर ऐसे बैठूँगा कि तुम्हें जरा भी दर्द नहीं होगा, उसने बताया ऊँट के लिए। तो ऊँट बोला, अच्छा मित्र चलो कोई बात नहीं, ऐसे आराम से बैठना तो कोई दिक्कत नहीं है, आओ बैठो। ऊँट बोला, चलो आओ बैठो। अब गीदड़ झट से ऊँट की पीठ पर बैठ गया। ऊँट गीदड़ को लेकर नदी पार करने लगा। जब वे नदी के बीच पहुँचे तो ऊँट बोला, भैया मित्र गीदड़, मार खाने के बाद मैं पानी में डुबके लगाता हूँ, ये मेरी आदत है। अब तो गीदड़ की हवा ख़राब होने लगी। अब देखिए आगे क्या है थोड़ा सा। और गीदड़ बोला, नहीं मित्र ऐसा मत करना, देखो वरना मैं तो गया, नहीं तो मैं मर जाऊँगा, तुम तो जानते हो कि मुझे तैरना नहीं आता। ऊँट ने कहा, दुष्ट गीदड़, तुझे तेरी दुष्टता का फल अवश्य मिलना चाहिए, तुमने मेरी मार लगवाई, अब कह रहा तैरना नहीं आता। इतना कहकर ऊँट पानी में डुबकियाँ लगाने लगा। जब डुबकी लगाई ऊँट ने तो गीदड़ पानी की धार में बह गया। वो जा रहा उतराते हुए, है ना। तो बच्चों, हमें कभी किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। अब हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है, देखो इसमें लिखा हुआ है, प्रस्तुत कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि यदि हम किसी का बुरा करते हैं तो हमें भी अपनी करनी का फल भोगना पड़ता है। इसलिए प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने अभी बताया था आपको कहानी से पहले, कि हमें किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, किसी के साथ हमें ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए जो हमें खुद को पसंद ना हो, और दोस्ती में कभी दगा नहीं देना चाहिए। प्यारे बच्चों, अगर आप किसी दोस्ती करें तो दोस्ती पूरी तरह से ज़िंदगी भर निभाना चाहिए, ये हमें कहानी सिखाती है। तो हमें उम्मीद है बच्चों कहानी आपको खूब अच्छे से पसंद आई होगी, और
कहानी आपको कैसी लगी, इसमें क्या चीज़ अच्छी लगी, क्या आपको समझ में नहीं आया, ये सारी चीज़ अगर आपको बतानी है तो कृपया हमारे जो कमेंट बॉक्स है उस पर ज़रूर जाएं और वहाँ पर अपने कमेंट्स लिखकर, अपने सुझाव लिखकर हमें ज़रूर भेजें, जिससे हम आपके सुझाव को पढ़कर उसमें कुछ सुधार करने का प्रयास करेंगे। और आपको क्या चाहिए कहानी में, आपको कैसी लगी कहानी, आपको कुछ और सीखना है तो इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, जिससे हम आपको वो भी सुविधा उपलब्ध करा सकें, आपको वो भी हम जो बुक्स हैं उस तरह की या नॉलेज है वो दे सकें, देने का प्रयास कर सकें, ऐसी हमें आपसे अपेक्षा है, उम्मीद है। तो हमें उम्मीद है कि आप ये जरूर जरूर करेंगे। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। चैनल का नाम आपको पता ही है, RP पब्लिक स्कूल जोगीठेर। और इस चैनल को ज़रूर शेयर भी करें बच्चों, जिससे कि और बच्चों को भी इसको इसका जो है फ़ायदा मिल सके, उनको भी थोड़ा पढ़ना लिखना, ये अच्छी अच्छी कहानियाँ सीखने को मिल सकें और अच्छी अच्छी जो सीख है इस कहानियों से वो बच्चे भी सीख पाएँ। तो प्यारे बच्चों, हम उम्मीद आप ज़रूर शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, इस तरह रोज़ कहानी को पढ़ेंगे, यूट्यूब पर ज़रूर देखेंगे, जिससे आपको रोज़ कुछ ना कुछ नई नॉलेज, नए ज्ञान की बातें मिलती रहें, जिससे आपके जीवन में कुछ ना कुछ सुधार आता रहे, आप एक अच्छे पढ़े लिखे बच्चे, अच्छे पढ़े लिखे इंसान समाज में कहलाएं, लोग आपकी तारीफ़ करें, आपके माता पिता की तारीफ़ करें, ऐसी हमें आपसे उम्मीद है। तो उम्मीद है आप अच्छा काम करेंगे, इस तरह से अच्छी अच्छी कहानियाँ पढ़ के अपने आप में सुधार करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की कहानी यहीं तक, अगली कहानी तक, अगले टॉपिक तक, जय हिंद, नमस्कार।